For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. तो चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सीधा सीधा बिग बॉस के घर से आ रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बार वीकेंड का वार आ गया है और सलमान खान आए हैं एक घर वाले को बेघर करने। और सबसे पहला नाम आ रहा है बेघर हुए सदस्य में से सिस्टी रोडे का। आपको बता दें कि कल ही शूट हो चुका बिग बॉस का वो एपिसोड, सब कुछ क्लियर कर चुका है कि सिस्टी रोड निकल गई है बिग बॉस के घर से बाहर। और तभी से सिस्टी रोड के फैंस के बीच में एक खलबली सी मच गई है और सिस्टी रोड के फैंस ये सोच रहे हैं कि अगर सिस्टी रोड को निकालना है तो फिर उससे पहले भी काफ़ी ऐसे घर में कंटेस्टेंट थे जो कि निकल सकते थे बिग बॉस के घर से बाहर। जिसके साथ ही दर्शकों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस स्क्रिप्टेड भी इन सब में सामने आ रहा है, क्योंकि सिस्टी रोडे एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अभी तो बिग बॉस के घर से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज मैं काजल आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीते कुछ हफ्तों की, जहाँ सृष्टि काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही हैं। और हाल फिलहाल के वाकये की अगर बात करें तो दीपिका और सृष्टि के बीच में जमकर लड़ाई हुई थी, जिसके साथ ही सृष्टि काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आई थी। और कहीं ना कहीं वोट्स के आधार की माने या फिर लाइफ पोल की भी माने तो सृष्टि दीपिका और दीपक के बाद भी नज़र आ रही थी। तो ऐसे में आखिर क्यों बिग बॉस ने इतना कड़ा कदम उठाया और क्यों उन्होंने सीधा सीधा सृष्टि को नॉमिनेट करके और निकाल दिया, चलिए जानते हैं हमारे इस खास स्टोरी के जरिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस का अब 11वां हफ्ता शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आज होने वाला है वीकेंड का वार, जहां एविक्शन का तड़का लगाएंगे सलमान खान। तो वहीं दूसरी ओर आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि इस हफ्ते 3 लोगों को छोड़कर पूरे घर वाले नॉमिनेट हैं, जिसके साथ ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो खत्म हो गई है, लेकिन आज इविक्शन शुरू हो जाएगा, जहां सलमान खान सबसे पहले तो दीपक और दीपिका को सेव करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सलमान खान संडे के लिए टाल देंगे कि आगे किसका इविक्शन होगा। जिसके साथ ही आपको हम ये जानकारी दे दें कि घर से और कोई नहीं बल्कि होंगी सृष्टि बेघर। जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि आखिर किस वजह से सृष्टि को बिग बॉस के घर से निकाला गया है। आप सब जानते हैं कि सृष्टि एक सेलिब्रिटी स्टार है और कहीं ना कहीं वो जसलीन और रोहित से ज़्यादा दिख रही हैं, तो वहीं इनके पीछे भी मेघा दिख रही हैं। जिसके बाद किस वजह से सृष्टि को निकाला गया ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक एपिसोड नहीं आया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सलमान खान ने सृष्टि को बेघर कर दिया है और सलमान ने कोई रीज़न भी नहीं बताया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वोट्स के आधार पर ही घर से लोग बेघर होते हैं। जिसके साथ ही आपको हम ये भी याद दिला दें कि कैसे सृष्टि जो कि इन दिनों काफ़ी दिख रही थी, तो वहीं जसलीन का नाम सामने आ रहा था कि वो बेघर होंगी और रोहित भी आ रहे थे। जिसके बाद ये खबर आ रही है कि रोहित और जसलीन को छोड़कर बिग बॉस ने सीधा सीधा गेम खेल दिया है और उन्होंने सृष्टि को ही निकाल दिया है। जहाँ खबर ये भी है कि इन सब के पीछे और किसी की नहीं बल्कि बिग बॉस की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि 5 सेलिब्रिटीज में से कोई भी 2 सेलिब्रिटी बाहर हो जाए, जिनमें से एक थे पहले जलोटा जो कि घर से बेघर हो चुके हैं, तो अब सृष्टि की बारी थी। क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि घर में 5 सेलिब्रिटी हैं, जिनमें से दीपिका, सुशांत, केवी तीनों दिख रहे हैं, लेकिन सृष्टि कहीं ना कहीं नहीं दिख रही हैं। और यही वो वजह है जिसके कारण बिग बॉस कॉमनर्स को छोड़कर अब सेलिब्रिटीज को ही टारगेट कर रहे हैं, जहां से आने वाले समय में ये देखना काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा कि आखिर सृष्टि के बाद अब किसका इविक्शन होगा। फिलहाल कुमार स्टोरी में बस इतना ही। बिग बॉस के हर अपडेट्स को जानने के लिए और अपकमिंग ट्विस्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। हमारी स्टोरी देखकर आप भी समझ गए होंगे कि आखिर किस वजह से बिग बॉस ने सृष्टि को निकालने का फैसला किया है और क्या है इसके पीछे का पूरा कंक्लूजन, ये तो अब आज के एपिसोड को देखकर ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और बिग बॉस के हर अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।